Assalamu alaikum, students. I'm your no teacher Saima, and today we will start our new unit, and that is unit number 15. And now, make well. So, let's begin. Let's begin. Let's read about the author. Students, the author name is joseph crumgold as you will see his name is written the dates are he was born in 1908 and he died in 1980 he was born in new jersey america wrote, he wrote many novels children books and screenplays for movies okay? ये उसकी फेमस होने की वजह यही थी और स्टोरीज उसकी कैसी थी अबाउट ग्रोइंग अप एंड हाउ वी लर्न टू एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट सो इस टाइप स्टोरी की स्टोरीज की वजह से ही इस फेमस ग्रोइंग अप होने के साथ साथ रिस्पेक्ट करना और चीज़ों को एक्सेप्ट करना सो दिस इज़ व्हाट ही मोस्टली रोट अबाउट इन नाइनटीन सिक्सटी सिक्स हिज बुक अबाउट मेघअल शावेज़ वॉज मेड इन टू अ मूवी एंड नाउ मेगवल सो मेघवल शावेज़ जो है वो नाम है उस कैरेक्टर का स्टोरी के हीरो का या प्रोटैगनिस्ट का जो कि मेन रोल प्ले कर रहा है तो uh, ये उसकी बुक का नाम था मेघवल शावेज़ और उसी बुक पर एक मूवी बनी और उस मूवी का नाम था एन नाउ मी जो कि आप पढ़ रहे हैं दिस इज़ अबाउट अ मूवी और ये आपको पता है डायलॉग्स की सूरत में होगा और उन्हीं डायलॉग्स की सूरत में आप तक पहुंचेगा सो लेट्स बिगिन द टेक्स्ट लेकिन इस टेक्स्ट को बिगिन करने से पहले मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछूंगी कि हैव यू एवर विश्ड फॉर एनी टास्क सिंस आप लोग, से लोग सेकेंड ईयर में पहुंच चुके हैं सो विद द पैसेज ऑफ ग्रोइंग अप कभी नाइन्थ टेंथ एट्थ उस एज में कुछ विशेज़ होती हैं कि मैं जल्दी से बड़ा हो जाऊं ताकि मैं ये काम करूं क्योंकि हम अपने घर वालों से इंस्पिरेशन ले रहे होते हैं कि मुझे छोड़ा जाए बल्कि इवन इससे भी अर्लियर वो जो अर्ली चाइल्डहुड में मैंने देखा है बच्चों को कि वो बड़ों जैसा काम करने की कोशिश करते हैं और वो चाहते हैं कि जल्दी से वो हैंड ओवर उनको किया जाए ताकि वो काम करें तो क्या आपके दिल में कोई ऐसी ख्वाहिश या अपने घर वालों को देख के कि मैं भी ये काम कर सकूँ लड़कियाँ मोस्टली अपने वालदा से इंस्पिरेशन लेती हैं मैं जल्दी से बड़े हो के अपनी वालदा की तरह ये काम करूँ या फिर लड़के जो है वो मोस्टली अपने बड़े भाई या फिर अपने वालद साहब या अंकल्स उनको देख के कि मैं जल्दी से बड़ा हो के मैं ये वाला काम कर सकूँ हाउ डिड यू फील वेन योर विशेज़ कम ट्रू सपोज़ बच्चे विशेज़ करते हैं मोस्टली मैंने देखा कि मैं गाड़ी चलाऊँ मैं मोटरसाइकिल मेरे हाथ में हो मैं इसको चला सकूँ सो so, कभी अगर आपको वो दिल में आपके वो ख्वाहिश रही हो कि ये चीज़ मुझे दी जाए या कोई बड़ी साइकिल बच्चों की छोटी ट्राई साइकिल्स होती हैं तो उनकी ख्वाहिश होती है बड़ी साइकिल उनको दे दी जाए सॉरी ताकि वो जो है आम, उसी तरह से उसको चला सके जैसे बड़े चलाते हैं तो क्या आपकी कभी वो ख्वाहिश पूरी हुई और अगर ख्वाहिश पूरी हुई फिर उसके बाद आपके क्या रिएक्शंस रहे उस पर ठीक है सो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू आस्क फ्रॉम ईच अदर और इस तरह के एक्सपीरियंसेस को आप लिख भी सकते हैं ठीक है सो स्टूडेंट्स इस तरह की ख्वाहिश को आप अपनी जो है वो लिख भी सकते हैं ठीक है सो लेट्स बिगिन विद आवर सीन वन वो जो फर्स्ट सीन है उसमें जो है वो मेगुएल का कैरेक्टर है स्टूडेंट्स आप इस प्ले को अपने क्लासरूम में परफॉर्म भी कर सकते हैं एक बच्चा मेगुएल बन जाए दूसरा बच्चा जो है वो कैब्रोल बन जाए और उसके अलावा जितने कैरेक्टर्स हैं वो उनमें से बन के इसको परफॉर्म भी कर सकते हैं ठीक है सो मेगवेल का जो डायलॉग है मेगोल से आपको पता है कोई प्ले जब हमारे पास आता है तो वो इसी तरह पहला सीन होता है ठीक है बैकग्राउंड जो है वो उसी हिसाब से रखते हैं और मेगवेल जो है वो सीन वन में अब बैकग्राउंड यहाँ पे बयान नहीं किया गया और नरेटर वो है जो कि उस स्टोरी को बता रहा है तो वो जो नरेटर वहाँ पे मौजूद है वो उसके डायलॉग्स हैं ठीक है थीके? हम देखते हैं कि मे के बारे में डायलॉग्स हैं अब मी जो है वो बता रहा है क्या बता रहा है आई एम मी शावेज टू माई फैमिली आई एम जस्ट अ बॉय मेरा नाम मी शावेज़ है और मैं अपनी फैमिली के लिए एक लड़का हूँ बट आई वॉन्ट टू बी अ मैन लेकिन मैं एक आदमी बनना चाहता हूँ द मैन इन माई फैमिली रेज शीप इन द माउंटेंस ऑफ न्यू मैक्सिको हमारे घर के मर्द हमारे घर के आदमी मैं एक मर्द बनना चाहता हूँ और क्यों बनना चाहता हूँ क्योंकि हमारे घर के आदमी जो हैं वो क्या करते हैं रेज़ शीप ठीक है वो क्या करते हैं वो जो है वो चरवाहे हैं उसको हम चरवाहा कहते हैं ठीक है इट हैज़ बीन आवर वर्क फॉर हंड्रेड ऑफ ईयर्स और ये हमारा काम आज से नहीं है सालों से है ठीक है आई टू विल बी आर शेफर्ड डे और मैं भी एक चरवाहा बनूँगा किसी न किसी दिन आई होप एंड आई वेट मुझे उम्मीद है और मैं इस बात का इंतज़ार कर रहा हूँ बट सम डे नेवर कम्स और उसे लग रहा है कि वो दिन कभी भी नहीं आएगा जब मैं एक चरवाहा बन जाऊँ क्योंकि वो उस ख्वाहिश को अचीव करना चाह रहा है और राइट right ना उसे लग रहा है कि वो ख्वाहिश मुझसे बहुत दूर है नरेटर अब नरेटर जो है वो बता रहा है कि ये जो मे बातें कर रहा है ये कहाँ पे मे गोयल एंड हिज ब्रदर कैबराइल आर ड्राइविंग आउट टू द न्यू पैसचर अब वो कहाँ न्यू पैसर की तरफ मुझे चरागाह है उसकी तरफ जा रहे हैं ड्राइव करते हुए और मेकवेल जो है वो खामोश है और मे भी ये खामोशी में ये चीज़ें जो है वो सोच रहा है कैब व्हाट्स अप मेकल अब वो जो खामोश है दो बच्चे ड्राइव कर रहे एक बच्चा ड्राइव कर रहा है बच्चे तो नहीं लड़के हैं ठीक है बड़ा भाई ड्राइव कर रहा है और छोटा भाई उसके साथ बैठा हुआ है तो बड़ा भाई उससे पूछता है कि मीगुल क्या हुआ? मैं ये सोच रहा हूँ कि आपके लिए कैबरे बनना कितना आसान है लाफिंग अब जब आप किसी को यही कहते हैं कि जो वो खुद है उसके लिए वो वही बनना कितना आसान है तो ऑबियसली वो जो है वो कुछ फनी सा लगता है गैब्रियल लाफिंग आई गेस सो हाँ मेरे ख्याल में लिटिल ब्रदर मेरे छोटे भाई आफ्टर ऑल दैट्स आई एम आखिरकार मैं मैं खुद ही हूँ तो मेरे लिए यही बनना आसान है हाँ अगर मैं खुद वो नहीं हूँ और मैं कुछ और बनने की कोशिश करूँ तो वो मुश्किल हो जाता है दिस इज आई एम सेंग तो उसके कहने का मतलब यही है ठीक है अब बिहाइंड इस अल्फाज के बिहाइंड मीनिंग को गेट करना आप लोगों का काम है ठीक है कैब्रिल मे बी सो अब कैब्रिल के ख्याल में आ, हो सकता है ऐसा हो इट टेक्स अ लिटिल टाइम मे बी नाट हो सकता है ऐसा ना हो इट टेक्स अ लिटिल टाइम वेट आईर और टू आल बी एंड इट विल बी ईजियर अब मीगोइल कह रहा है कि मेरे लिए मिक्वेल बनना आसान नहीं है और वो कह रहा है कि हो सकता है ना हो लेकिन थोड़ा इंतज़ार कर लो एक साल एक दो साल और इंतज़ार कर लो और फिर ये तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा मिक्वेल इजेंट देर समथिंग आई कैन डू नाउ क्या मैं अब कुछ नहीं कर सकता मीन्स दो साल इंतज़ार करना सो उसे बहुत दूर लग रहा है तो वो कह रहा है कि क्या मैं अब कुछ कर सकता हूँ लाइक प्रैक्टिस कैब्रिल हिज हैड बींग मेकल इज नॉट लाइक प्लेइंग बास्केट बॉल एज़ आई से इट टेक्स टाइम अब वो कह रहा है कि तुम चूँकि मे कोल हो तो ये तुम्हारे लिए ये काम तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं है जिस तरह बास्केटबॉल खेलना हो सकता है तुम इसको आसान समझ रहे हो ये इतना आसान नहीं है ऐसा इसे इट टेक्स टाइम मैं कह रहा हूँ इसमें कुछ वक्त लगेगा ठीक है अब सीन चेंज हो रहा है अब सेकंड सीन है इतनी सी अंडरस्टैंडिंग तो हो गई हमें कि जो प्रोटैगनिस्ट है उस मूवी का जो मेन कैरेक्टर है वो है मेकवेल और वो चाह रहा है कि वो बड़ा आदमी बन जाए और वो वो बन जाए जो वो अभी नहीं है और वो दो साल इंतज़ार भी ना करे फ़ौर से वही बन जाए अब सीन टू आ गया हमारे सामने और सीन टू में जो है वो आ, हमारे ए, कुछ चीज़ों का पता चल रहा है हमें आई हैड अ विश टू टेक द शीप इन टू सेंगरे डी क्रिस्टो माउंटेंस मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं भीड़ों को कहाँ ले कर जाऊँ सेंगरे डी क्रिस्टो माउंटेंस ये बड़े बड़े से पहाड़ है कभी आपको टाइम मिले अपने मोबाइल पर अपने भाई के मोबाइल पर सर्च करें अपने वालद साहब के मोबाइल पर सर्च करें सेंगरे डी क्रिस्टो लिख के फिर आपके पास उनकी उस माउंटेंस की तस्वीरें आएंगी कि वो कितनी ख़तरनाक किस्म की माउंटेंस हैं न्यू मैक्सिको में ठीक है सो so, उसकी ख्वाहिश है कि वो वहाँ चला जाए उन पहाड़ों में चला जाए अलोंग विद अदर मैन दूसरे आदमियों के साथ एक तो वहाँ पे वेदर इतना एक्सट्रीम है और फिर वहाँ पे स्लोप्स इतनी ख़तरनाक है फिर आपको पता है भीड़ कहीं के कहीं निकल जाते हैं तो ऑबसली वो वहाँ पे जाना कोई आसान काम नहीं था इस वजह से जो लड़के थे वो उनको नहीं लेके जाते थे ठीक है तो इफ़ दे नो यू आर रेडी और अगर उन्हें पता चले कि तुम रेडी हो यू विल गो अगर उन्हें लगे अब उनको जो है वो लगवाना है कि भाई हाँ ये हमारे साथ जा सकता है तो फिर वो आपको ले जाएंगे यू विल गो तुम चले जाओगे बट इफ़ दे डोंट यू मस्ट वेट अगेन फॉर अनदर ईयर और अगर उन्हें लगा कि नहीं अभी नहीं फिर आपको दोबारा एक साल और इंतज़ार करना पड़ेगा तो शायद ये जो है वो साल का कोई एक टाइम है और उस टाइम में जो है वो भेड़ों को लेके जाते हैं इवन आप इसकी मूवी भी देख सकते हैं ठीक है मीकवेल शावेज़ की एंड नाउ मीक की तो आई मस्ट ट्राई टू मेक देम सी आई एम रेडी अब वो अपने आप से कह रहे हैं कि मुझे उनको दिखाना चाहिए कि मैं तैयार हूँ वो मुझे ले जाए और इसी साल लेके जाए। जाएँ चाह रहा है कि उसे अगले साल तक के लिए इंतज़ार ना करना पड़े और वो लोग उसे अभी ले जाएं। अब नरेटर क्या कह रहे हैं द फर्स्ट लैम्प ऑफ द ईयर इज़ बॉर्न वो जो साल का पहला भेड़ का बच्चा है वो पैदा हो गया है बिफोर लॉन्ग देर आर मैनी न्यू लैम्प्स और अब कुछ वक्त के बाद ढेर सारे और बहुत से लैम्स जो हैं वो शीप के जो बच्चे हैं भेड़ों के बच्चे वो पैदा हो जाएंगे बहुत से ढेर सारे नए पैदा होने वाले भेड़ होंगे मिगुएल गेट्स द जॉब ऑफ पेंटिंग नंबर्स ऑन द शीप और मिगुएल को काम मिला है और वो काम क्या है कि वो उन भीड़ के बच्चों पे उनके नंबर्स लिख ले तो वो के नंबर्स पेंट कर रहा था दैट्स वाई इट इज़ ईज़ी टू टेल विच लेम बिलोंग्स टू विच मदर और ये क्यों ताकि आसान हो जाए कि कौन सी भेड़ का बच्चा कौन सी भेड़ का है नंबर्स से वो उनको मैच करते हैं ठीक है दैट्स वे दैट्स वाई इट इज़ इजी टू टेल विच लैम बिलोंग्स टू विच मदर इन केस दे गेट सेपरेटेड और अगर वो जुदा हो जाते हैं तो फिर लोगों को पता चल जाएगा नहीं ये नंबर तो उस पेड़ का है ये उसका बच्चा है ड्यूरिंग अ ब्रेक इन द वर्क मी क्वल्स ग्रैंड फादर स्पीक्स टू हिम और काम करते करते जब वो रुक जाता है तो फिर मी के ग्रैंड फादर उसके जो है वो दादा उससे बात करते हैं ग्रैंड फादर दैट्स द रियल वर्क ऑफ अ पेस्टर ऑफ अ शेफर्ड नाउ सी स्टूडेंट्स वो जो कॉन्टेक्चुअल आप मीनिंग देखते हैं ना आप देखें रियल वर्क ऑफ अ पेस्टर ऑफ आ शेफर अब ये दोनों जो हैं वो सिननस हैं ठीक है टू सी दैट नो शीप स्टेज अवे फ्राम द फ्लॉक ऑल मस्ट स्टे टुगेदर और वो जो चरवाहे का जो घास चराने लेके जाता है उसका जो असल काम है वो क्या है कि भेड़ें जो है वो भटक ना जाए कम ना पड़ जाएँ इधर उधर ना निकल जाएँ पहाड़ों में फ्राम द फ्लॉक ठीक है वो उस फ्लॉक से दूर ना चले जाए तो असल में यही काम होता है चरवाहे का कि वो उनका ख्याल रखता है कि वो इधर उधर ना निकल जाए भटक ना जाए रेवड़ जो है वो एक साथ ही रहें ऑल मस्ट स्टे टुगेदर सबको एक साथ सबको एक साथ कलेक्ट करना ही शेफर्ड का असल काम होता है जो चरवाहे का मेन काम होता है उनको ख़ुराक देने के लिए वो जब ले जाता है चरने के लिए तो वहाँ पे उसका असल यही काम होता है कि वो उन बेड़ों पे नज़र रखता है उनको गिनता है ताकि इधर उधर ना चले जाए और अगर कम पड़ जाते हैं ऑब्वियसली तो फिर जो है वो नुकसान है कि आ, रिवर जो है वो छोटा होता चला जाएगा मीगवेल वाई डू दे गो ऑफ़ बाई देम वो क्यों ख़ुद से इधर उधर चले जाते हैं वाई आर शीप सो डम क्यों इधर उधर चले जाते हैं क्यों घूम जाते हैं क्यों इतने बेवकूफ़ हैं uh, भेड़ें नाउ no, मीक जो है वो कह रहा है ठीक है ग्रैंडफादर लाफिंग ग्रैंडफादर क्या करते हैं इसके जवाब में कि भेड़ें जो है वो इतनी बेवकूफ़ क्यों हैं कि वो इधर उधर निकल जाती हैं तो ऑब्वियसली वो ग्रैंड हंसते हैं दैट्स अ गुड क्वेश्चन अच्छा सवाल है शीप आर लाइक पीपल शीप जो है वो इंसानों की तरह है भेड़े इंसानों की तरह है मी गिल कन्फ्यूज वट डू यू मीन क्या मतलब है कि वो इंसानों की तरह है ग्रैंड फादर वन पीपल डोंट स्टिक टुगेदर जब लोग एक साथ इकट्ठे नहीं होते दे गेट लॉस्ट वो गुम जाते हैं नाउ लेट्स गेट बैक टू वर्क चलो दोबारा से काम स्टार्ट करते हैं काम शुरू करते हैं जैसे कि हमने देखा कि सीन क्या था वो पेंट कर रहा था शीप्स पे और उस दौरान जब वो रुका तो अपने दादा के साथ उसकी कन्वर्सेशन हुई ठीक है अब हमारे पास सीन थ्री हो जाता है सीन चेंज हो जाता है कहीं और मी सम बॉयज़ ड्रीम ऑफ बिकमिंग पुलिसमैन मैन और एयरप्लेन पायलट्स कुछ लड़कों के खाब होते हैं कि वो पुलिस मैन बन जाएँ या फिर वो पायलट्स बन जाएँ ठीक है वो जहाज़ उड़ाएं बट फॉर मी देर इज़ ओनली वन काइंड ऑफ वर्क लेकिन मेरे लिए बस एक ही काम है एट नाइट आई लुक एट द माउंटेंस एंड आई ड्रीम ऑफ बिकमिंग आई शेफर मैं रात को वो जो माउंटेंस की बात की थी मैक्सिको के मैं उन पहाड़ों को देखता हूँ और मैं चरवाहा बनने का ख्वाब देखता हूँ नरेटर अब नरेटर जो है वो ये बात Uh, किस वजह से कह रहा है कि वन नाइट देर इज़ अ स्टॉम और बाहर जो है वो तेज़ आंधी चल रही थी एक रात को द नेक्स्ट मॉर्निंग और वो जो uh, मीगुल की बातें हैं ये द नेक्स्ट मॉर्निंग अगले दिन की है मोर देन अ डज़न शीप आर गॉन और वो जो इतना ज़्यादा तूफ़ान जो चला था उसकी वजह से एक दर्जन से ज़्यादा भेड़ें जो हैं वो चली गई थी एट ब्रेकफास्ट मीगोइल एंड इज़ फादर टॉक और फिर जब सुबह नाश्ता कर रहे थे तो मीगोइल और उसके वालिद जो है वो आपस में बातें करते हैं मीगोइल एक्साइटेड मीगोइल बहुत खुश था आई कैन फाइंड देम आई कैन हेल्प मैं ढूंढ सकता हूँ मैं मदद कर सकता हूँ फादर इट्स टाइम फॉर स्कूल इज रेल ये तो स्कूल का वक्त है ठीक है ये इजन एड स्ट्रेस है तुम्हारे स्कूल का वक्त नहीं है जैसे कि हम लोग जब पूछते हैं तो इसी तरह से क्या ये तुम्हारे स्कूल का वक्त नहीं है सो इन इंग्लिश इट से इट्स टाइम फॉर स्कूल इज मी गल ऑल आई वॉन्ट टू से मैं बस यही ऐसे ही कह रहा था फादर शेकिंग हिज एड इट्स ऑल राइट ठीक है मी गल वी विल फाइंड दैम बस ठीक है हम ढूंढ लेंगे दिस इज़ नॉट अ जॉब फॉर यू ये तुम्हारा काम नहीं है अब मे जो है वो सफाइयाँ दे रहा है कि मैं वैसे ही कह रहा हूँ कि अगर मैं मदद करूँ मैं तो ढूंढ सकता हूँ लेकिन उसके वालिद फ़ौर से मना कर देते हैं कि नहीं ये तुम्हारा काम नहीं है ठीक है बस ठीक है अब हम लोग खुद से ढूंढ लेंगे तुम्हारा काम नहीं है नरेटर मे कोल आउट ऑफ द हाउस अब नरेटर जो है वो सीन डिस्क्राइब कर रहा है और जैसे ही मीग्यल ने जैसे कि ये सुना और ये बातें हुई मीग्ल जो है वो भाग के घर से जा रहा है एट स्कूल स्कूल पे पहुंच के बॉय टेल्स मी ही सॉ द शीप और वहाँ पे एक लड़का उसे बताता है कि उसने भेड़ों को देखा है मी वेयर डिड यू सी दैम वेयर कहाँ देखा है कहाँ ट्यूबी वट्स द मैटर मी इज समथिंग रॉन्ग अब जो भी उसके पास आ जाता है पूछता है क्या हुआ मेगुल क्या क्या हुआ है क्या मसला है मेग्ल इम्पेश जस्ट टेल मी वेर आर द शीप और मेगुल जो है वो उस लड़के को कहता है कि बस बताओ बताओ मुझे कहाँ हैं भेड़े कहाँ हैं भी गिव मी अ चांस ओके मुझे एक मौका तो दो नरेटर द बेल रिंग्स एज़ जूबी एक्सप्लेन्स वेयर ही सॉ द शीप और उसी दौरान घंटी बजती है और जो भी बताता है कि उसने उन शीप को कहाँ देखा है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम वेयर द अदर प्लान टू लुक और वो जो उसके सामने प्लान हो रहा था कि हम इस तरफ जाके देखेंगे जहाँ पे वो मीकअल जो है वो जाने की कोशिशों में लगा हुआ था और उसका दिल कर रहा था कि वो भी जाके मदद करेगा जब उसके वालिद ने मना किया था उस वक्त उसने सुन लिया था कि ये लोग इस तरफ जा रहे हैं जबकि भेड़े जूबी ने बताया कि उसने देखा था बेड़े तो इस तरफ थी स्टूड देयर थिंकिंग बट नॉट फॉर लॉन्ग थोड़ी देर वो वहाँ पे खड़ा रहा सोचता रहा लेकिन ज्यादा देर नहीं आई न्यू इफ आई केम होम विद मिसिंग शीप दे वुड हैव टू से आई एम रेडी फिर उसको लगा कि अगर वो भेड़ों को घर लेके आएगा उनको जाके ढूंढ के घर लेके आएगा तो फिर सब ये कहेंगे कि भई अब वो तैयार है अब ये भेड़ों का ख्याल रख सकता है हम उसे ले कर जाएँगे इट डेंट लुक बैक एज़ आई रैन डाउन द हिल अवे फ्रॉम द स्कूल और फिर उनको ये नहीं लगेगा कि मैं जो है वो पहाड़ों पर गया हूँ स्कूल से भाग के गया हूँ और ये एक नेगेटिव बात होने नज़र नहीं आएगी उसे लग रहा था कि सब उसे अप्रिशिएट करेंगे और नहीं लगेगा कि वो स्कूल से भाग के पहाड़ों पे गया है और भेड़ों को लाने के लिए नरेटर, मीक विल सर्चेज फॉर आर्ट्स अब वो घंटे लगा देता है स्कूल से तो वो भाग क्या वहाँ पे जाके घंटों वो ढूंढता रहता है बट ही कान्ट फाइंड द शीप लेकिन उसे भेड़े नज़र नहीं आती ही इज़ टायर्ड वो थक जाता है एंड हिज फीट हर्ट और उसके पाँव जो है वो जख्मी हो जाते हैं ही इज़ अबाउट टू गिव अपन ही स्पॉट्स द शीप और वो मायूस होने वाला था जब हल्का सा उसे लगा उसे नज़र आए कि वो भेड़े वहाँ पर हैं कमिंग अप हिल टूअर्ड्स हिम और वो पहाड़ से उसकी तरफ ही आ रहे थे अब फिर हम देखते हैं कि अगेन जब वो देख लेता है कि वो उसकी तरफ आ रहे हैं तो फिर जो है वो सीन फिर से चेंज हो जाता है और कुछ देर वो जो वहाँ पे वो करने के बाद कुछ देर गुज़रती है तो फिर क्या होता है मिगुएल अराइव होम विथ शीप और मिगुएल भेड़े लेके घर आता है ब्रावो द मैन शाउट वहाँ पे आदमी जो है वो शाबाशी देते हैं चिल्लाते हैं शाबाशी देने के लिए कि ब्रावो शाबाश बट मीगुल्स फादर हैज़ टू से लेकिन मीगुल के वालिद साहब वो इतना खुश नहीं होते वो कुछ कहना चाहते हैं फादर आई एम ग्लैड दैट शीप आर बैक मुझे ख़ुशी हुई कि भेड़े वापस आ गए शीप आर इम्पॉर्टेंट भेड़े अहम हैं बट स्कूल इज़ इवन मोर इम्पॉर्टेंट लेकिन भेड़ों से ज़्यादा तुम्हारा स्कूल अहम है If you stayed away from school every time something had to be done, you would grow up to be a प्योरो अगर इसी तरह तुम किसी न किसी काम के लिए स्कूल छोड़ते चले गए तो फिर तुम क्या बनोगे तुम एक सामान लादने वाले गधे बनोगे ब्योरो ठीक है जिस पे सामान लादा जाता है जैसे कि हम लोग भी मोस्टली बच्चों को यही कहते हैं जब बच्चे स्कूल नहीं जाते कि भाई ये क्या करेगा ये स्कूल नहीं जा रहा तो ये क्या करेगा तो ये इसी तरह उसके वालिद भी उसे यही कहते हैं कि अगर तुम इसी तरह किसी न किसी काम के लिए स्कूल छोड़ के जाते रहे तो फिर तुम बड़े हो गधे बनोगे जिसपे सामान लादा जाता है मींस एजुकेशन नहीं होगी तुम्हारे पास मी ग आई अंडरस्टैंड पापा मुझे पता है पापा फादर स्माइलिंग आई वॉन्ट टू थैंक यू फॉर वॉट यू डिड दो हालांकि मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूँ नरेटर लेटर मी गल ट्राइज टू आस्क हिज फ़ादर अबाउट गोइंग अप टू द माउंटेंस वेन स्कूल इज़ ओवर और फिर जब स्कूल का टाइम गुजर जाता है तो फिर मीगोल जो है वो अपने वालिद से पूछते हैं कि क्या वो पहाड़ों पे उनके साथ जा सकते हैं मिगुएल। आई कैन गो टू द माउंटेंस यस मैं पहाड़ों पे जा सकता हूँ जी हाँ फादर फैमली नो इट कैन नॉट बी अरेंज नहीं ये अरेंज नहीं हो सकता फिल्म आवाज़ में मीन्स मजबूती के साथ उन्होंने ये बात कही नॉट दिस ईयर इस साल नहीं He nods towards Gabriel और फिर वो Gabriel की तरफ इशारा करते हैं Gabriel will go Gabriel जाएगा That is part of his work ये तो उसका काम है It's not yet time for you to go तुम्हारा अभी तक वक्त नहीं आया Miguel disappointed Yes papa और Miguel जो है वो disappointed हो जाता है कि ठीक है Narrator दैट नाइट मी कोल प्रेस टू सैन ये स्ट्रो सैन स्ट्रो के जो है वो एक कोई सेंट है वो उनको उनके जो है वो प्रे करता है उनको आपको पता है जो क्रिश्चन्स होते हैं वो सेंट्स को मानते हैं और वो फिर उनके जो है वो से मांगते हैं और उनके जो है वो चढ़ावे चढ़ाते हैं और उनसे दुआएं मांगते हैं तो वो जो है वो उनसे दुआएं मांगता है सैन यो वो वहाँ के कोई सेंट है मे कोइल प्रेंग को दुआ करता है इफ़ यू थिंक इट इज़ गुड आइडिया प्लीज़ अरेंज इट और वो सेंट या यो को कहता है कि अगर आप ये समझते हैं कि ये अच्छा है मेरे लिए अच्छा है प्लीज़ अरेंज इट तो फिर मेरे लिए इसको अरेंज कर दें सो आई मे गो अप इंटू द डी क्रिस्टो माउंटेंस ताकि मैं सेंगरे डी क्रिस्टो माउंटेंस की तरफ चला जाऊँ आपको पता है वो जो मेक्सिको uh, का एरिया है दैट इज़ लैटिन अमेरिका वहाँ पे मोस्टली लैटिन लैंग्वेज बोली जाती है और इस वजह से उनके माउंटेंस के नेम्स भी लैटिन टाइप के हैं डी क्रिस्टो और फिर सेंट्रो ठीक है ओके नाउ सीन फाइव नरेटर इट्स जून और फिर क्या हो जाता है जून का महीना है आफ्टर द शीप आर शेयर भेड़ों का अब गर्मियाँ आ गई हैं भेड़ों का जो है वो उनका ऊन उन उतारा जा रहा है शेयर्ड उनको शेव किया जा रहा है द फ्लॉक विल लीव फॉर द माउंटेंस और जैसे ही उनका ऊन उन जो है वो उतारा जाएगा फिर ये सब जो है वो चले जाएंगे पहाड़ों की तरफ ड्यूरिंग द शेयरिंग मी गिल स्वीप्स द फ्लोर और जिस दौरान उनका ऊन उन उतारा जाता है उस दौरान जो है वो मी झाड़ू लगाता है फ्लोर को ठीक है मी इट्स अ बिग जॉब टू बी द वन विद फ्लोर द ब्रूम और ये बहुत बड़ा काम है जब आप जो है वो फर्श को झाड़ू लगा रहे हैं वैन द फ्लीसेज कम ऑफ द शीप और जैसे ही वो ऊन उन, उन भेड़ों के ऊपर से निकाला जाता है दे फॉल ऑन द फ्लोर वो ज़मीन पर गिरते हैं एंड ईफ़ दे गेट डर्टी और अगर वो जगह सही से साफ़ नहीं हुई होती तो ऑबियसली वो गंदे हो जाते हैं द बैर इज़ डिसअपॉइंट और वो जो उनको ख़रीदेगा अगर वो गंदे हो जाएंगे तो ख़रीदने वाला जो है वो क्या हो जाएगा वो डिसपॉइंट हो जाएगा वो uh, लाइक like, सेटिस्फाई नहीं होगा और उसको मायूसी होगी सो द फ्लोर हैज़ टू बी स्वेप्ड इन द बेस्ट एंड मोस्ट केयरफुल वे तो इस वजह से उसको जो है वो फ्लोर को बहुत अच्छे तरीके से साफ़ करना पड़ेगा माई फादर ट्रस्ट मी टू डू अ गुड जॉब मेरे वाल जो है वो मेरा ट्रस्ट करते हैं मुझ पर एतबार करते हैं कि मैं अच्छा काम करता हूँ मे बी ही बिलीव्स बिकमिंग अ मैन और हो सकता है कि ओके माय फादर ट्रस्ट मी टू डू अ गुड जॉब मेरे वालिद को मुझ पे एतबार है कि मैं अच्छा काम करता हूँ मे बी ही बिलीव एंड बिकमिंग अ मैन हो सकता है उन्हें लग रहा है कि मैं एक आदमी बन रहा हूँ नरेटर मी क्वेल इज़ अ हार्ड वर्कर मीगवल जो है वो बहुत मेहनत करने वाला है द मैन प्रेज हिम बिकॉज ही स्वीप्स अप सो मच डस्ट सब उसकी तारीफ करते हैं सॉरी <coughs> सब उसकी तारीफ़ करते हैं क्यों क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो है वो डस्ट निकालता है बहुत अच्छे से फर्श को झाड़ू लगाता है मीगवल फील्स प्राउड और मीगुल जो है वो प्राउड फील करता है खुश होता है बट सडनली वन डे मीग्विल स्लिप्स लेकिन एक दिन क्या हो जाता है कि मीगवेल जो है वो स्लिप हो जाता है ही फॉल्स इन टू द बॉटम ऑफ अ बिग सैक ऑफ फ्लीसेज और फिर स्लिप होके जब वो गिरता है तो एक बड़ी सी पोरी में जहाँ पे ऊन रखा हुआ है भेड़ों का ऊन जमा हुआ हुआ है वो वहाँ पे उसके अंदर गिर जाता है डेड एनी वन सी मैकविल क्या किसी ने मेगविल को देखा है कैब्रिल लुकिंग डाउन इन द सैग हियर ही इज एली डिड एनीवन सी मेगविल क्या किसी ने मेगविल को देखा है गैब्रिल लुकिंग डाउन इन द सैग हियर ही इज इन द सैग यहाँ वो ये इस बोरी के अंदर है नरेटर ऑल द मेन येल एंड लाफ सब जो है वो चीखते हैं और उस पर बहुत हंसते हैं एक्सेप्ट फॉर मेगविल्स फादर सिवाय मिकवेल के वालद के फादर स्नैपिंग इस दिस एनी टाइम टू स्टार्ट प्लेइंग गेम्स और उनको ग़ुस्सा आ जाता है उन्हें लग रहा था कि मेकवेल जो है वो गेम खेल रहा है और वो उनको कहता है कि क्या ये टाइम है कि तुम इस वक्त गेम्स खेलो लाइक यू वर अ लिटिल बॉय जब तुम छोटे बच्चे थे तब तुम इस तरह के गेम्स खेलते थे तो क्या ये अभी ये, ये टाइम है क्या तुम इतने छोटे हो कि तुम अभी भी इसी तरह की ही हरकतें करो नाउ कम ऑन अब आओ अब बाहर निकलो मी आई वॉज अशेम्ड अब मी बेचारा शर्मिंदा हो जाता है आई नो लॉन्गर फेल्ट लाइक अ मैन और इतने लोग जब उस पर हँस रहे थे और इन सब की मौजूदगी में जब उसके वालिद उसको डांटते हैं तो उसको लग रहा था कि अब वो एक मर्द नहीं है इफ़ आई और मीकअल बेचारा जो है वो शर्मिंदा हो जाता है आई नो लॉन्गर फेल्ट लाइक अ मैन अब उसे जो है वो नहीं लग रहा था कि वो कोई मर्द है क्योंकि ऑलरेडी उसके वालद भी उसको डांट चुके हैं और इतने लोग उस पर हंस रहे थे इफ़ आई कुड हैव स्टेड एट द बॉटम ऑफ द सेक आई वुड अब वो इतनी शर्मिंदगी महसूस कर रहा है कि अगर मैं वहाँ पर रह सकता तो मैं वहीं पर रह जाता मैं बिल्कुल भी बाहर ना निकलता क्योंकि वो बहुत डिसअपॉइंट भी हो गया और बहुत शर्मिंदा भी अपने आप को महसूस कर रहा था तो वो उसको लग रहा था कि अगर कोई मौका बनता है तो बस मैं फिर यहीं पर ही रह जाओ सीन सिक्स अब अगला सीन स्टार्ट होता है नरेटर टू डेज लेटर दो दिन के बाद मीगवेल्स फादर हैज़ न्यूज़ फॉर मीगवेल अब इस वाक्य के दो दिन के बाद मीगवेल के लिए कोई खबर थी फादर सीरियसली अब उसके वालिद संजीदा थे यू विल गो विद अस टू द माउंटेंस मीगवेल मेगवेल तुम हमारे साथ पहाड़ों पे जा रहे हो मीगवेल बस अब वो हैरान रह जाता है मी गो टू द सैंग्रेडी क्रिस्टो माउंटेन्स फॉर द होल समर क्या मैं तमाम गर्मियों के लिए जो है वो सैंग्रेडी क्रिस्टो माउंटेंस की तरफ जा रहा हूँ क्या मैं सैंग्रेडी क्रिस्टो पहाड़ों की तरफ जा रहा हूँ मैं फादर यस yes. जी हाँ मी आई एम ग्लैड पापा मैं बहुत खुश हूँ पापा फादर आई एम ग्लैड टू मैं भी बहुत खुश हूँ मी How did this happen? ये कैसे हुआ Father, Gabriel can't go. Gabriel नहीं जा सकता He has to go into the army to train to be a soldier. उसे army में जाना है ताकि वो एक फौजी बन सके एक सिपाही बन सके There was a letter this morning. और आज सुबह ही वो ख़त आया है जिसमें उसको बुलाया गया है कि वो आए और आर्मी में फ़राइज सर अंजाम दें मेगवेल आई देर क्वाइटली मेघवेल बिल्कुल खामोश हो गया आई डिड नॉट नो वट टू थिंक अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या सोचे दे वॉज़ टू मच गुड मिक्सड अप विद द बैड बहुत कुछ अच्छा और बुरा मिक्सअप हो रहा था अब वो ख़ुद को गिल्टी महसूस कर रहा था अच्छा भी उसे लग रहा था और बुरा भी उसे लग रहा था तो उसने क्या किया उसे लग रहा था कि वो जो उसने दुआएं मांगी थीं और उसे उसकी वजह से गैब्रियल जा रहा है और दूसरा उसे अच्छा लग रहा था कि उसकी दुआएं कबूल हो गई थी कि वो कहीं चला जाए और दूसरा बैड उसे इस वजह से लग रहा था कि गैब्रिल उसके साथ नहीं था गैब्रिन को दूर कहीं जाना पड़ रहा था तो इस वजह से बहुत कुछ अच्छा भी उसे फ़ील हो रहा था और वो शर्मिंदा भी हो रहा था बुरा भी महसूस हो रहा था दोनों फीलिंग्स एक साथ जो है वो आ, उसके साथ हो रही थी तो यही वजह थी सो आई थिंक सीन सिक्स इट इज़ इनफ स्टूडेंट्स तो बाकी के जो दो सीन रह जाएंगे वो कल हम लोग इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच एंड अल्लाह